दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रव्यूल और आज एक न्यू वीडियो के साथ आगरा फोर्ट को लेकर। ये है आगरा फोर्ट, ये चार मुगल सम्राटों ने बनवाया, पहले काम शुरू करवाया अकबर बादशाह ने। ये था, ये डेट जो था वो 1565 में। अकबर के बाद अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद उनका बेटा औरंगजेब। ये चारों मुगल बादशाहों ने एक के बाद एक, इसका मतलब जेनरेशन बाय जेनरेशन आते गए और शासन करते गए, अपने अपने शासन काल में बनवाते गए। शायद आपको हैरानी होगी, 49 ईयर लगे थे इसको कंप्लीट होने के लिए, और उस जमाने की बात करूं 34 लाख से भी ज्यादा उस समय में इनको बनाने के लिए खर्चा पड़े थे। और शायद आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ताजमहल को, इस जगह को इस तरीके से बनाया गया है, हर एक कोने से, हर एक छत के ऊपर से आपको डायरेक्टली ताजमहल दिखेगा। जयपुर का राजा मानसिंह और मानसिंह का बहन जोधाबाई अकबर, और अकबर का वाइफ था जोधा रानी, उसका बेटा था सलीम, और सलीम को ही जहांगीर बोला जाता था। यहाँ से ताजमहल को देख करके मुमताज की याद में आंसू बहाया करते थे, और फाइनली जब उनका डेथ हुआ जब इसी जगह पे उनका डेड बॉडी को रखा गया था छुपा करके पहले, उसके बाद फिर जो हुआ सो हुआ, और उस जगह महल दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया गया है कि आप किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, वहाँ पर से आपको ताजमहल इजीली दिख जाएगा। तो आगे का बातें आगे का मिल सकता है। बोलिए। ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है जहाँ पर से पानी अंदर से गिरता है, इसके थ्रू होते हुए ये फाउंटेन में आया करता था पहले, और इसका सेटअप पीछे ही बना हुआ है। अजू के लिए पानी का यहाँ पर था, अजू का। बाकी ये है मस्जिद।